कुछ सीरियल किलर दुनिया भर में जाने जाते हैं। विशेष रूप से इन राक्षसों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया हर लीड, सुराग और शिकार पर बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग करता है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो गुमनाम रहते हैं, जिनके होने की खबर नहीं होती। उनके अपराध किसी को पता भी नहीं चलते, लेकिन वो शांति से अपने वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि मीडिया की भी एक सीमा है। वो ज़्यादा ए ग्रेड सिटीज़ पर फोकस करते हैं, कभी कभी बी ग्रेड सिटीज़ पर, लेकिन सी ग्रेड सिटीज़ और गाँव का क्या, जिस कारण कई केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते। अगर हो भी जाएं तो आम जनता को पता भी नहीं चलता। इन सब का क्रिमिनल्स फ़ायदा भी उठाते हैं, लो प्रोफाइल रह के बड़े क्राइम्स को अंजाम देते रहते हैं, और जब तक लाइट में आते हैं तब तक तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा चुके होते हैं। आज क्राइम की दुनिया में बात होगी एक ऐसे ही सीरियल किलर की जिसने मेक्सिको में आतंक मचा रखा था। यह और कोई नहीं, फर्नांडो हर्नांडेज़ लिव्या था। फर्नांडो को 1986 में मेक्सिको के 5 अलग अलग राज्यों में हत्या के 33 मामलों में दोषी ठहराया गया था। 33 हत्याओं ने पहले ही फर्नांडो को मेक्सिकन इतिहास का सबसे घातक सीरियल किलर बना दिया था, लेकिन बाद में उसने 100 से अधिक लोगों की जान लेने की बात स्वीकार की। इस बात की पूरी तरह पुष्टि हुई नहीं, लेकिन इससे उसके द्वारा की गई हत्याओं की संख्या लगभग 137 मानी जाती है, और संभवतः इससे भी अधिक। इस बात की बहुत संभावना है कि उसके द्वारा अपराधों की वास्तविक सीमा कभी पूरी तरह ज्ञात नहीं होगी, लेकिन उसने पहले ही मेक्सिको के सबसे घातक सीरियल किलर का विकराल खिताब अर्जित कर लिया है। हालांकि शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि 33 हत्याओं के बाद फर्नांडो को जेल से कैसे और कब रिहा किया गया था। फर्नांडो को पहली बार मार्च 1999 में डेटसेट न्यूज़ के अनुसार अपने गृहनगर कुनवाक से गिरफ्तार किया गया था। इस समय पर न केवल फर्नांडो 137 हत्याओं से जुड़ा था, बल्कि उस पर मेक्सिको सिटी क्षेत्र में और उसके आसपास कई अपहरण और डकैती के मामले दर्ज थे। फर्नांडो ने गिरफ्तारी के बाद शुरुआत में नॉट गिल्टी प्लीड किया, लेकिन बाद में गहन पूछताछ के बाद उसने एक किडनैपिंग और एक मर्डर की बात स्वीकार की, और साथ ही बाकी आरोप के लिए दावा किया कि सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। उसने कहा कि 1980 के दशक में 100 से अधिक हत्याओं में उसका कोई हाथ नहीं था, और ये सब उससे पुलिस ने जबरदस्ती स्वीकार करवा लिया है। उसने कहा कि पुलिस ने उसे पीटा और साथ ही धमकाया कि उसके बच्चे से उसे दूर कर दिया जाएगा, और यहाँ तक कि उन्होंने उसके पत्नी के साथ बलात्कार करने की धमकी भी दी, जिस कारण उसने ये बात कबूल कर ली। स्थानीय अधिकारियों ने उसके इस आरोप पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और अधिकतम सुरक्षा जेल में जाने के लिए कहा। अंततः इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी कि सच्चाई क्या थी। फर्नांडो हर्नांडेज़ लिव्या को एक पूर्व पुलिस अधिकारी की हत्या करने के अपने कबूलनामे के तहत 30 साल जेल की सज़ा मिली, हालांकि वो पहले से ही अन्य आरोप में जेल में बंद था। पुलिस द्वारा आयोजित एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा में लिव्या को एक मनरोगी के रूप में लेबल किया गया, जिसने व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए हत्याएं की थी। वह खुद को क्रांतिकारी पांचो लिव्या की तरह प्रोजेक्ट करने के लिए उसने अपना एक उपनाम भी रखा था, पांचो लोपेज़। उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट से आमतौर पर सफल सीरियल किलर से जुड़े अन्य लक्षणों का भी पता चलता है। फर्नांडो को बुद्धिमान पाया गया, जो पीड़ितों को लुभाने और किसी को भी अपनी असलियत का पता नहीं चलने देने के लिए आवश्यक था। साथ ही डर और घबराहट से मुक्त होने के कारण उसे हत्या करने की हिम्मत भी मिलती थी। हालांकि स्पष्ट रूप से पश्चाताप और शर्म का पूर्ण रूप से अभाव था। यह समझाते हुए कि कथित तौर पर उसने कैसे 100 से अधिक लोगों की जान ली है, उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो और अधिक लोगों को मारने के लिए भूखा था। उसकी हत्याओं के तरीके या उसकी पसंद के हथियार के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद फर्नांडो को एक नई करिश्मल फैसिलिटी में ले जाया गया। यहाँ पता चला कि 1986 में पकड़े जाने के बावजूद 90 के दशक में उसे कैसे दोबारा गिरफ्तार किया गया था। एक्चुअली 1986 में गिरफ्तारी के बाद वह जेल से भाग गया था। वास्तव में यह 4 वर्ष में उसका दूसरा जेल ब्रेक था। यह एक बार 1982 में भी जेल से भाग चुका था। उस वक्त यह डकैती के आरोप में सज़ा काट रहा था। इसने जेल खाने की दीवार के बीच में एक सुरंग बनाई और वहाँ से भाग निकला। यह इसका पहला जेल ब्रेक था। फिर इसने 1986 में भी सेम काम किया और आखिरकार 90 के दशक में तीसरी बार गिरफ्तार हुआ। अगर यह पहली बार में ही जेल में रह जाता तो ना जाने कितने मासूमों की जान बचाई जा सकती। फर्नांडो के अपराधों को देखते हुए लोगों में काफ़ी आक्रोश था। वहीं मेक्सिको में फांसी की सज़ा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मेक्सिको में उसके मौत की सज़ा पर एक बहस छिड़ गई थी, विशेष रूप से उसके गृहनगर में जहाँ कई पीड़ित रहते थे। मौत की सज़ा के खिलाफ अपने देश के कानूनों से अपवाद के रूप में हत्यारे की मौत की मांग करते हुए भारी भीड़ बाहर जमा हो गई। गुस्साई भीड़ के डर से हत्यारे को जेल से बाहर निकालने के लिए कड़ी सुरक्षा उपस्थित थी। उसे कोर्ट ले जाने के लिए आर्मी का सहारा लेना पड़ा। फांसी की मांग केवल इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि उसके खिलाफ और अधिक सबूत बढ़ रहे थे, जिससे हत्याओं की संख्या भी बढ़ने लगी थी, और उसके केस के दौरान कई नए मामले सामने आ रहे थे। हालांकि वो आज भी जीवित है और 2049 में रिहा होने की राह पर है। अजीब ही विडंबना है, लगभग 137 लोगों का कातिल होने के बाद भी अगर जीवित रहा तो हो सकता है वो रिहा हो जाए। मेक्सिकन इतिहास का सबसे प्रोलिफिक सीरियल किलर होने के बावजूद फर्नांडो हर्नांडेज़ लिव्या के केस और लाइफ पर अभी भी बहुत से रहस्य हैं, और ये शायद उसके साथ एक दिन खत्म हो जाएंगे।